वैसे तो देखा जाए तो निमाड़ क्षेत्र में कई माताओं व संतों की अमर गाथाएं व मंदिर विद्यमान है और इनके पीछे कई तरह के चमत्कार भी छुपे हुए हैं। लेकिन खरगोन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर सेगांव तहसील मुख्यालय पर विराजित माँ लालभाई फुलभाई माताजी का मंदिर सिद्ध व शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थापित माँ की प्रतिमा स्वयंभू है व ऐसे तो इसके कई चमत्कार हैं। माँ के दरबार में स्थित कुएं व झीरे के पानी से लगातार 5 मंगलवार स्नान करके पूजन अर्चन करने से कई असाध्य रोग साध्य हो जाते हैं और माता के मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद वहीं पर बांटा व खाया जाता है। इसे नदी के पार नहीं ले जाया जाता है। माता जी की प्रतिमा दिन में 3 रूप बदलती है। साथ ही यहाँ पर जो भी मन्नत ली जाती वह पूर्ण हो जाती है और भी कई तरह के चमत्कार जुड़े हैं। इसे हम चमत्कारों की देवी भी कह सकते हैं। नवरात्रि के पर्व को माता के दरबार में नगरवासियों के सहयोग से विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रतिदिन 9 दिनों तक माता के दरबार में अल सुबह 3 बजे से दोपहर तक स्नान के लिए हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वह इन दिनों मंदिर को लाखों रंग बिरंगी सीरीज बल्बों से सजाया गया जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ नवरात्रि पर मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु परिवार सहित दर्शन लाभ लेने आते हैं। वहीं 9 दिनों आचार्य ओम प्रकाश जी शर्मा मानपुर वालों के सानिध्य में 9 दिनों तक 21 पंडितों के सहयोग शत चंड यज्ञ किया जाता है। यज्ञ की पूर्णाहुति पर 8 अक्टूबर मंगलवार विजयादशमी पर विशाल भंडारे का आयोजन होगा जिसमें 30,000 से अधिक लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं और नगर सहित आसपास के ग्रामों से उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। सभी परिवार सहित माता के दरबार में प्रसादी ग्रहण करते हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।